के द्वितीयक नियम क्या होता है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, व्यक्तिकरण किसे कहते हैं, या फिर अपवर्तन किसे कहते हैं या परावर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में हाइगेंस ने जो सिद्धांत अपने दिए थे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें देखा जाए हर साल बोर्ड पेपर में पूछने वाला है। इसमें से या तो हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत के अनुसार से पूछता है परावर्तन का व्याख्या कीजिए, फिर हाइगेंस के द्वितीयक सिद्धांत से पूछता है अपवर्तन का व्याख्या कीजिए, या फिर हाइगेंस के नियम के बारे में पूछ देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल में है, ठीक है ना। बसरते एक बात है कि अगर चित्र आपको अच्छे से तैयार हो जाए तो आप लोग अच्छे से बना के लिख सकते हो। बहुत सरल शब्दों में लिखा हूँ, एक बार आप पढ़ लेंगे इसको तो तुरंत तैयार हो जाएगा। तो लिखा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तनांक का व्याख्या कीजिए। सबसे पहले ये होता है कि पेपर में आप लोग गलत देख लेते हो। यहाँ पहले देखना होता है अपवर्तन दिया है कि परावर्तन दिया है कि तरंगाग्र दिया है। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन दिया। अपवर्तन मतलब होता है कि जो यहाँ से अगर डाले कोई प्रकाश, यहाँ से मार्ग से अपने विचलित हो जाए, उसको अपवर्तन कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आंसर है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, मान के चलिए कोई प्रकाश का किरण है, एक विरल होता है, एक क्या होता है, सघन होता है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है या मुड़ जाती है, विचलित विक्षेपित हो जाती है, विचलित हो जाती है अपने मार्ग से, हल्का से क्या हो गई, मुड़ गई। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश का किरण एक माध्यम से, कोई प्रकाश है, कोई प्रकाश आ रही है और उस प्रकाश से क्या करते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भेजते हैं, मतलब उस पार भेज रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रकाश जो होती है विचलित हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है, थोड़ा सा मार्ग में क्या होती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ तक तो कन्फर्म हो गया होगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। अब आइए स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। मान लेते हैं, सबसे पहले मानना होता है पहली माध्यम जो होता है V1 हो गया, तथा दूसरी माध्यम क्या मान लिए, दूसरी जो होता है माध्यम चाल जो है V2 मान लिया। तो चाल बराबर होता क्या है, सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब इसी सूत्र पर लगाना है तो दूरी बराबर हो जाए चाल गुणे समय। हम पहला चाल मान के रखे V1, तो V1 लिख दिया, यहाँ पर क्या हो गया T, समय T मान लिया। दूसरे माध्यम से चाल चली गई दूरी, V2 मान लिया, और क्या मान लिया, समय T को मान लिया। अब आते हैं चित्र में, थोड़ा सा चित्र को बनाने का एक तरीका होता है, चित्र को देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है। तो ऐसे चित्र को कर लीजिए, ऐसे यहाँ ऐसे कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मुड़ गया, फिर ऐसे करके ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से उठाना है, यहाँ से ऐसे रख लीजिए, एक हो गया। फिर यहाँ से, अब यहाँ से उठा लिए, अब यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ उठा लीजिए, दो हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक उठाए तो AB मान लीजिए, अब यहाँ से यहाँ तक उठाए तो इसको B' मान लीजिए, A' मान लीजिए, क्योंकि जहाँ से उठाते हैं वहाँ A मानते हैं, जहाँ ले या गिराते हैं उसको भी मान लेते हैं। अब जो एंगल बनता है यहाँ पर, तो 90° का बनेगा, यहाँ पर 90° का बनेगा, यहाँ पर हमेशा पहले I बनता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, दूसरा R बनेगा। अब इसी को क्या करेंगे, हम लोग चित्र को प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा sin θ। पहले एंगल में देखेंगे हम लोग, पहले कोण में, तो कोण दिख रहा होगा A दिख रहा है B और डैश पे, मतलब एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा होगा, छोटा सा एक त्रिभुज दिख रहा ना, AB A' में देखेंगे तो sin θ। sin θ बराबर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो sin θ बराबर लंब बटा कर्ण, लंब का मान दिया है VT, ये जो होता है इसको बोलते हैं लंब, और कर्ण किसको बोलते हैं, तो A' को बोलेंगे। तो ये लंब हो गया हमारा, ये लंब हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण हो गया A हो गया, तो V1T/A हो गया, समीकरण एक मान लिया मैंने। अब दूसरा क्या करेंगे, दूसरा वाले में ले लेते हैं, दूसरा का त्रिभुज यहाँ से नीचे से बन रहा है, एक बन रहा है ना, तो इसमें ले लेते हैं A, A हो गया,
बी डैश ए डैश। पहला त्रिभुज ऊपर था, दूसरा त्रिभुज कहाँ है, नीचे है। दूसरा त्रिभुज में देख लेते हैं, साइन लंबटा कर्ण होता है, इसमें वी टू मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जैसे वी वन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा वी टू, ये वी टू हो गया, ए ए डैश ये कर्ण हो गया, इसको बोलते हैं लंब, ये क्या हो गया कर्ण हो गया, तो ए डैश हो गया। अब समीकरण एक और दो में भाग देने पर, समीकरण एक और दो में भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, साइन आई का मान कितना है यहाँ पर, इतना है, साइन आर का मान इतना है, ए डैश से ए डैश कैंसिल हो गया, ठीक ना। तो बचेगा क्या, बी वन बटा बी टू बच गया, साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बी वन बटा बी टू की जगह पर लिख सकते हैं वन एन टू, ठीक ना, इतना लिख लेंगे। अब इसको बोलते हैं नियतांक, इतना बराबर क्या होता है, नियतांक होता है, साइन आई बटा साइन आर आप लोग पढ़े ही होंगे स्नेल के नियम से। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। तो हाइगेंस के नियम ये कहता है अगर परावर्तन अपवर्तन आ जाता है तो जान लीजिए जब कोई किरण होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी, इसको अपवर्तन का अपवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसके बाद से क्या करेंगे, दो साइन ले लेंगे, पहले इस त्रिभुज इस चित्र को बनाएंगे, ऊपर का एक त्रिभुज ले लेंगे, जैसे इस चित्र को बना लेंगे यहाँ पर ऐसे करके एक यहाँ से ऐसे विचलित करा लेंगे, और उसके बाद से क्या करेंगे यहाँ से ऐसे चित्र बना लेंगे, एक यहाँ गया तो यहाँ हो गया, एक यहाँ से गया गया, अब ये एक यहाँ त्रिभुज बन गया, एक यहाँ त्रिभुज बन गया, अब दोनों को क्या करेंगे भाग दे देंगे तो हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा, इसी को हाइगेंस का नियम कहते हैं। इसमें एक और तरीका है, थोड़ा सा थ्योरी को बड़ा करना हो तो ये आप लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मान के चलो जेड लिख लेना है, यहाँ जेड डैश लिख लेना, यहाँ पर जेड हो गया, यहाँ पर पी हो गया, पी लिख लेना, पी डैश लिख लेना। अब यहाँ पर लिखना माना जेड डैश जो होता है, अब अगर थ्योरी इसमें बीच में बड़ा करना हो, जैसे क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन में आप बुक में भी बहुत ज़्यादा थ्योरी को बड़ा कर दिया है, तो आप क्वेश्चन को बड़ा करना चाहते हो तो जहाँ से मान लिए हैं यहाँ पर माना कर दिए हैं, तो माना जेड वन जेड से जेड वन जेड डैश तक जा रहा है, यहाँ पी से पी डैश तक जा रहा है, ऐसे करके मान लेंगे। इसको भी मान लेना, यहाँ पी से यहाँ पर मान लेना, ये भी हो गया पी क्यू मान लेना, यहाँ पी नहीं मान के कुछ और मान लेते हैं, यस टी मान लेते हैं, यस यस डैश मान लेते हैं, यहाँ पर पी और क्यू मान लेते हैं, मान लेना पी पी क्यू, यहाँ एक रेखा है, यहाँ से ऐसे विचलित हो रहा है, प्रकाश की किरण जा रही है, इस पर कोण ये बन रहा है, इस पर 90 अंश बन रहा है, ये लंब है, ये कर्ण है, ऐसे करके मान लेंगे। तो चित्र में जो भी होता है जैसे मानना जब जहाँ से हो जाता है वहाँ से, तो वैसे ही लिख लिया जाता है चित्र के एंगल से, अगर चित्र बना देते हैं स्पष्ट रूप से तो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ तक अगर आप लोग समझ में आए हाइगेंस का प्रथम नियम, हाइगेंस का अगर द्वितीय नियम से समझ में आया हो अपवर्तन का नियम, तो आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।